नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे सीटेट परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए। अभी CBSE ने एक और काफी बड़ी अपडेट जारी कर दी। आपको बताते हैं सीटेट परीक्षा तिथि और साथ ही साथ सीटेट परीक्षा में इस बार तीन नए बदलाव किए जा रहे हैं, तीन काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आज की वीडियो सीटेट 2022 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि आगे भी सीटेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक पहुँचा जा सके सबसे पहले बिल्कुल सटीक। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2022 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सीटेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ी चिंता की बात हुई समाप्त। आपको बता दें बदल दिया गया है परीक्षा का नियम। सीटेट 2022 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए CBSE ने जारी कर दिया है नया नोटिस। आपको बता दें सीटेट परीक्षा में अब अभ्यर्थी हो जाए सावधान। सीटेट 2022 में अब आप सभी लोगों को कई सारे नए नियम देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सीटेट परीक्षा 2022 आप सभी लोगों की 22 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रही है और ये 22 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी 2023 तक चलेगी। और इस बार एक और काफ़ी बड़ा चेंजमेंट होने वाला है। आपको बता दें इस बार 35 लाख फॉर्म भरे गए। 35 लाख फॉर्म भरे होने के कारण इस बार सीटेट में हमारे जितने भी छात्र हैं इनका परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों, अब इसको भी काफ़ी हद तक बदला जा सकता है। और साथ ही साथ इस बार जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपको पता होगा जनरल कैंडिडेटों की 60% रहती है, इस बार घटकर 55% तक आ जाएगी। और इस बार आप सभी बता दें नॉर्मलाइजेशन की एक नई तकनीक अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की नई पद्धति अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के तहत इस बार हमारे जितने भी छात्र हैं, आपको बता दें इस बार अधिक से अधिक छात्र उपस्थित होने के कारण अधिक से अधिक नंबर 25 प्लस तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सीटेट 2022 में इस बार आप सभी लोगों को तीन काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे बता दें पेपर का पैटर्न भी आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा सरल पूछा जाएगा, इसके साथ ही साथ सीटेट में इस बार नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी।